हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ वो मैंने अपने बालों पे लगा के दिखाया था और बालों को वॉश करके दिखा रही हूँ। उसका रिजल्ट जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और देखिए, आज जो रेमेडी मैं बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने सफ़ेद बालों को घर बैठे जो है कुछ ही मिनटों में काला कर सकते हैं। यहाँ मैं जो है आंवला पाउडर ले रही हूँ। आंवला पाउडर आपको पता है वाइटामिन सी होता है। वाइटामिन सी की वजह से इस पर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को बिना मेहंदी डाई के जो है बालों को जल्दी से जो है काला करता है। और बालों को काला करने का जो तरीका है, बहुत सारे ऐसे नुस्खे होंगे जो मेहंदी से भी कर सकते हैं, बट काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट क्या होता है। मेहंदी लगाते वक्त हाथों में भी बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, माथे पे भी रेड हो जाता है, बट वो मेहंदी में कुछ ऐसी चीज़ें केमिकल ऐड की जाती है जिससे कि हमारे बाल दोबारा से जो है वाइट होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो मैं नेक्स्ट चीज़ ले रही हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ये जटामासी पाउडर है जिससे कि बालों को एक नेचुरल कालापन देता है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई डाई लगाई है। ये नेचुरल तरीके से आप घर बैठे अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 से 1.5 चम्मच आप इसकी क्वान्टिटी को ले सकते हैं, बट याद रखिए सबकी क्वान्टिटी को सेम रखिएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसको 2 से 3 चम्मच कर दीजिएगा और अपने वाइट हेयर्स पर वहाँ वहाँ लगा दीजिएगा रूट्स पर। और देखिए, ये जो है केमिकल आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा। यहाँ जो है मैं क्या अच्छे से इसका जो है दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये यहाँ पर जो है मैंने जटामासी पाउडर 1 चम्मच लिया है। बस इसी तरीके से आपको इसको अपने बालों पे लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जो है आंवला पाउडर में इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, अगर आपके पास नारियल तेल है, सरसों का तेल है या कोई सा भी और भी ब्रांड का तेल है, बस आपको इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, पानी ना ऐड करके। आपने जो है कुछ ही देर में जो है आपके सफ़ेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे। अगर आप लोगों की एज अगर जो है 30 साल है, 25 साल है, 40 साल है, तो आप लोग जो बहुत छोटी उम्र के लगने लग जाएंगे। चाहे आप चाहे 90 साल के क्यों ना हो, और आप लोगों की जो है सारे सफ़ेद बाल जो इससे सारे ठीक हो जाएंगे। आपको भी पसंद नहीं होगा कि सफ़ेद चादर सी हमारे बालों में लिपटा हुआ ये, या फिर मीन्स जैसे कि हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा अलग से दिखने लग जाते हैं ब्लैक हेयर्स के बीच में, या कलर वाले हेयर्स के बीच में जो है जो वाइट हेयर्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्म लायक लगता है। यहाँ जो है मैं देखिए, यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ 1 से 2 या 3 चम्मच लीजिएगा। याद रखिएगा इसमें आपको पानी की क्वांटिटी को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। यहाँ मैं जो है 7वां कली का हेयर ऑयल ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा, आप इसे डाइल्यूट करके ले सकते हैं। तो डाइल्यूट करके क्या होगा कि आपने 7वां कली का हेयर ऑयल जो है, ये आयुर्वेदिक कंपनी का है, और ये हेयर ऑयल आपको जो अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट, सब जगह आपको जो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। मैंने इसके लिए जो है आप मेरी वीडियोस जाके देख सकते हैं। इसे जो है रूट्स पर लगा सकते हैं डायरेक्ट भी, और ये आई थिंक ये 400 समथिंग का कुछ है। आप इसे जो है अमेज़ॉन में जाके चेक कर लीजिएगा। वैसे अगर इसका लिंक मुझे मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ देने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये रेमेडी को अच्छे से घोलना है, बनाना है, और देखिए ये रेमेडी हमारे बनके तुरंत तैयार हो जाएगी। बस इसे अपने बालों पे लगाइएगा और देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है आपको। ना आपको कोई मेहंदी लगानी पड़ेगी, ना कोई डाई यूज़ करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपके बाल जो है बहुत ही अच्छे से काले होने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, मैं इस घोल को जो है थोड़े से तेल में जो अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बस हमने दोनों की क्वांटिटी को 1-1.5 चम्मच लिया है। पर हाँ, इसको जैसे ही आप इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है, हो सकता है 2 से 4 मिनट आपको लगे इसके जो पाउडर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये सब भी मैंने जो अमेज़ॉन से परचेज़ किया था वहीं से आप इसे ले सकते हैं। मैं देखिए इसमें ऑयल को ही ऐड कर रही हूँ, ना कि मैं कोई पानी को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी से क्या होता है कि ना रंग जल्दी नहीं चढ़ता है, और ऑयल से जो है रंग बहुत अच्छे से चढ़ता है। आप उसके बाद जो 30 मिनट्स की या 40 मिनट्स के बाद अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा, देन देखिए रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलने वाला है। ये रेमेडी हमारी बनके तैयार हो गई है। आई होप आप लोगों को रेमेडी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी। तो प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखिएगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को जो है लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।